dear 8 class students, this side your teacher from Mrs. Convent School. Yes. So let's start today's class quickly. जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. Everyone open your books. And I hope सबके पास books होंगी, क्योंकि जिनके पास book नहीं है तो फिर अब आप जाने कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे. समझ में आ रहा है? Book is very important students. जिनके पास नहीं है वो ले लो, because this is a lockdown period. एक lockdown period चल रहा है यहाँ पे. अगर एक बार stock finish हो गया, you won't be getting the books again then. ठीक है, फिर बुक्स मिलेंगी नहीं, फिर ये जान लो. ठीक है, सो येस, परचेज द बुक एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वेरी फ्यू बुक्स आर लेफ्ट, बहुत ही कम बुक्स बाकी हैं. ओके, येस, सो वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में. तो चैप्टर का नाम क्या है? सेंटेंस. तो पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है. तो हमने क्या बताया था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इज सेट टू बी अ सेंटेंस. या फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक से समझा कि एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि स्टार्ट होगा एक कैपिटल लेटर से, एंड होगा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से, और उसका एक कंप्लीट सेंस आएगा. समझ में आ रहा है? उस सेंटेंस में जो भी वो लाइक वट एवर द सेंटेंस वॉन्ट टू कन्वे, वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे होगा, वो सेंस प्रॉपर मेक करेगा. राइट, येस. तो यहाँ पे फिर हमने समझा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज अ सब्जेक्ट पार्ट एंड द अदर वन इज अ प्रेडिकेट पार्ट. सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट पार्ट? सब्जेक्ट पार्ट इज अबाउट व्हाट वी स्पीक, जिसके बारे में बात हो. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो. और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो. क्लियर? व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक और अबाउट विच द स्टेटमेंट इज मेड. ठीक है, जिसके बारे में बात हो, दैट इज अ सब्जेक्ट. And what is a predicate? Predicate is that part of the sentence which gives further information about the subject. जो कि subject के बारे में further information दे. ठीक है, मतलब जो subject के बारे में जो बात हो वो होता है हमारा predicate. Clear? Subject के बारे में जो बताए वो predicate, और जो जिसके बारे में बात हो वो subject. तो यहाँ पर हमने कुछ examples देखे थे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, he teaches information practice. तो ही टीचर्स इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, कौन पढ़ाता है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस? ही. तो बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में ना. तो ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का जो पार्ट था वो हमारा प्रेडिकेट बना. क्लियर? तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो हो वो एक ही वर्ड से बना हो. ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक वर्ड से भी है, तीन वर्ड भी हैं, चार वर्ड भी हैं. मीन्स इट कैन बी वन वर्ड और इवन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, एंड सेम गोस्ट फॉर प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, डॉग बार्क्स. ओके, वॉट इज द सेंटेंस? डॉग बार्क्स. तो यहाँ पे क्या मतलब है? कुत्ता भौंकता है. तो डॉग बार्क्स यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बात किसके बारे में हो रही है?